हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल हैप्पी रिपब्लिक डे सो आज मैं आपको तीन ऐसी क्वालिटी बताऊंगी अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो आप बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि यूनिवर्स गॉड जो हमारे गॉड है जो हमारा यूनिवर्स है हम उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट है अगर ये तीन क्वालिटी हमारे अंदर है ठीक है तो पूरा वीडियो को देखना एंड बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो अगर आपके अंदर ये तीन क्वालिटी है फर्स्ट क्वालिटी ये है कि आप अपने इनर वॉइस को सुनते हो अपने इंट्यूशन को सुनते हो सपोज़ आपने कोई आपको कोई डिसीज़न लेना है और आप अपने दिमाग की नहीं अपनी दिल की सुनते हो अपने इंट्यूशन के सुनते हो तो ऐसे लोग यूनिवर्स यूनिवर्स को गॉड को बहुत ज़्यादा पसंद है जो अपने मन की करते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं अपने इंट्यूशन की सुनते हैं तो ऐसे लोग ना भगवान को ना बहुत ज़्यादा पसंद है यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो ना हमेशा उनको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं और उनकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि वो अपने इंट्यूशन को सुनते हैं तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप यूनिवर्स के गॉड के बहुत ज़्यादा फेवरेट हो तो फर्स्ट क्वालिटी दूसरा दूसरी क्वालिटी ये है डी कोर्ट यूनिवर्स साइन एंड टेक अकॉर्डिंग एक्शन मतलब कि जो यूनिवर्स होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम हमें साइन देते रहते हैं सपोज़ अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं है कि जो टेक्निक करते हैं चीज़ों को उन्हीं को यूनिवर्स यूनिवर्स साइन देते हैं ऐसा नहीं है यूनिवर्स सबको साइन देते हैं तो अगर आप उनके साइन को समझ कर उसको डिकोड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो यूनिवर्स के साइन को समझ कर उनको डिकोड करके उन्हें समझ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लोग ना यूनिवर्स को भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है जो उनकी साइन को समझ जाते हैं और उनको समझ के ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते मतलब समझ जाते हैं उनके साइन को ये इस साइन इस चीज़ के लिए हमें साइन दे रहे हैं या इस चीज़ के लिए साइन दे रहे हैं समझ जाते हैं सर्च करते हैं मतलब कि थोड़ा बहुत उन्हें नॉलेज हो जाता है कि किस चीज़ के लिए मुझे ये साइन दे रहा है तो अगर आपको ये साइन देते हैं यूनिवर्स और उन्हें आप समझ जाते हो और उनको समझ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आप यूनिवर्स को गॉड को बहुत ज़्यादा पसंद हो वो आपको ना और बहुत ज़्यादा गाइड करने लगते हैं अपनी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गाइड करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा आपको प्यार करने लगते हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ उनकी चीज़ों को समझ रहे हो तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी क्वालिटी है अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो जाओ क्योंकि आप यूनिवर्स के गॉड के ना बहुत ज़्यादा करीब हो तभी तो आप उनकी क्वालिटी उनकी सॉरी क्वालिटी कह रही हो उनकी चीज़ों को इतनी अच्छे से समझ जाते हो उनको डिकर्ट करते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है <laughs> और तीसरी क्वालिटी सभी जीवी जितने भी जीव हैं जानवर हैं इंसान हैं उन सबको ना एक जैसा समझना कोई छोटा नहीं है आपके लिए कोई बड़ा नहीं है आपके लिए आपके लिए सब बराबर है तो ऐसा ये मुझे बहुत पसंद ऐसे लोग आते हैं जिनके लिए सब बराबर होते हैं कि ये गरीब है ये अमीर है ये जानवर है ये ऐसी ऐसी होता है ना किसी किसी के अंदर तो अगर ऐसा आपके अंदर ऐसा नहीं है आप सबको बराबर समझते हो कि सब बराबर है सब बराबर है तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को और गॉड को पसंद हो क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटी है आप जानवरों की मदद करते हो जो जिनकी मदद की जरूरत है आप उनके उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हो तो ऐसी ना ऐसी चीज़ बहुत यूनिवर्स को पसंद है गॉड को बहुत पसंद है एंड वो आप उनकी ना फेवरेट हो वो कभी भी ना आपको ऐसी चीज़ों में नहीं डालेंगे जिससे ना आप टूट तो जाओ बिखर जाओ या मतलब समझ सकते हो आप वो ऐसी तकलीफ़ में आपको कभी नहीं डालेंगे डालेंगे भी तो कुछ ना कुछ समझाने के लिए ही डालेंगे जिससे आप समझो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो तो यूनिवर्स को गॉड को ना ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है अगर आपको ये तीन तीन चार क्वालिटी आपके अंदर है तो आप समझ सकते हो आप यूनिवर्स के गॉड के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेवरेट हो बहुत हद से ज़्यादा आप उनकी फेवरेट बच्चे हो अगर ये तीन चार क्वालिटी आपके अंदर है सो थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय